अररिया के भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाके के बस स्टैंड के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े 4 से 5 हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया और 37 लाख रुपए लेकर चलते बने। बैंक खुलने के साथ ही 4-5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर के साथ साथ दूसरे स्टाफ को भी बंधक बना लिया और शटर को बाहर से बंद कर दिया। फिर बैंक के कैश काउंटर पर रखे 37 लाख रुपए लूटकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार सिंह, एसडीपीओ पुष्कर कुमार सहित थाना पुलिस बैंक परिसर पहुंचकर अब मामले की जांच में जुट गई है। कितना लोग था सर? वो लोग 5-6 लोग। कौन बैंक में आए थे, क्या काम था? सर हम यहाँ पैसा निकाले आए थे। कौन बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। मेरा यहाँ खाता है सर बैंक ऑफ इंडिया। कैसे हुआ, कैसे आप आए तो क्या हुआ, क्या देखे? सर हम आए तो यहाँ से कोई अंदर नहीं था, वो लोग बाहर ही था। जैसे 9:40 में आए तो वो लोग साथ में आए थे, यहाँ अंदर बैठा दिया, बोला अगर हिला तो गोली मार देंगे। मोबाइल भी जमा कर दिया हम। उसके बाद पैसा वगैरह भी लेके गया बैंक से? नहीं, हम लोग को अंदर कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया। हम लोग नहीं देखे पैसा लेके आए कि नहीं लेके, हम लोग को बाथरूम में मैनेजर को सबको बंद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद अफसार अली। फोटो लिया ला लिया हम फोटो नहीं लेते। गार्ड का बंदूक है वो, ब्रेकिंग लिखे हुए छोड़े ना, सब बैंक में आया जैसे जो जानकारी हुई थी ना फर्स्ट। Thank you.